वेलकम बैक ऑनलाइन क्लास में। आज हम कक्षा 12 के विषय भूगोल के पाठ 3 अध्याय 3 में अध्याय का नाम है जनसंख्या संगठन। अब इस जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे परिचय रूप में देख लें कि जनसंख्या की संरचना क्या है। तो जनसंख्या की जो संरचना है उसमें है परिचय के रूप में, पहले हम मानते हैं कि किसी प्रदेश या देश की जो जनसंख्या की संरचना है उस संरचना के अंतर्गत जो बातें आती हैं जिसमें लिंगानुपात है, आयु है, वर्ग है, साक्षरता है, साक्षरता दर अनुपात, ग्रामीण नगरी अनुपात और जनसंख्या की जो व्यावसायिक संरचना है इसको शामिल किया जाता है। और किसी भी देश में देखा जाए तो जनसंख्या का न केवल संख्यात्मक पहलू का यह परिचय होता है बल्कि उसके विभिन्न पहलुओं द्वारा इसकी विभिन्न विशेषताओं का भी वर्णन किया जाता है। अतः हम देखें तो जनसंख्या के प्राकृतिक पहलुओं की ओर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ग के मानव जीवन का जो स्तर है उस पर मानव जीवन के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जनसंख्या का जो अध्ययन है इसके अध्ययन के अंतर्गत जनसंख्या में जनवृद्धि, वितरण, घनत्व इन सब के आधार पर इसमें जनसंख्या का स्थानांतरण के आधार पर देखें तो जनसंख्या की संरचना के विभिन्न पहलुओं में काफी कुछ स्थान प्राप्त होता है जिसके अंतर्गत आज हम जनसंख्या संरचना के जनसंख्या संगठन के विभिन्न पहलुओं की ओर चर्चा करेंगे जिसमें पहला आता है लिंगानुपात। अब परिचय हो गया जनसंख्या की संरचना, अब इसके अंतर्गत पहले पॉइंट की ओर चलेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात तो लिंगानुपात क्या है जिसको हम अंग्रेजी में सेक्स रेशियो कहते हैं। तो लिंगानुपात लिंगानुपात का तात्पर्य है कि किसी भी देश में अगर हम देखें तो लिंगानुपात के अंतर्गत पहले लिंग का तात्पर्य समझते हैं स्त्री या पुरुष। तो यहाँ जो बातें आती हैं कि 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं लिंगानुपात में, कहने का तात्पर्य कि स्त्री और पुरुष की जनसंख्या का अनुपात कितना है। कहने का तात्पर्य कि अगर 1000 स्त्री हैं तो 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं। तो स्त्री और पुरुष दोनों का जो अनुपात जो एक संयोग बनता है जिसे हम लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात के अंतर्गत यहाँ बड़े पैमाने पर 1000 का यह आंकड़ा अनुमान लगाया जाता है कि 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष विद्यमान है। जैसे कि लिंगानुपात में आपके देश भारत में है कि 1000 स्त्रियों पर 935 पुरुष आते हैं। कहने का तात्पर्य केवल 1000 स्त्री है तो उसमें पुरुषों की संख्या 935 है, यही आपका लिंगानुपात है। सेक्स रेशियो एक आंकड़ा दिखाया जाता है, ऐसे ही सभी देशों में अलग अलग है लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अगर हम देखें तो जो लिंगानुपात निकाला गया है 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। कहने का तात्पर्य ये पूरे विश्व का जो आंकड़ा निकाला गया जिसमें 100 पुरुषों 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष ये पूरे विश्व की जनगणना के अंतर्गत
लिंगानुपात को निर्धारित किया गया है। तो लिंगानुपात का तात्पर्य यह लगाया जाता है कि किसी भी जनसंख्या में सभी आयु वर्ग के पुरुष एवं स्त्रियों का जो अनुपात है, चाहे आप स्त्री को आगे रखें या पुरुष को आगे रखें, माने का तात्पर्य कि पूरी जनसंख्या में स्त्री और पुरुष दोनों के अनुपात हैं और लिंगानुपात किसी भी क्षेत्र में सामाजिक या आर्थिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक इन सभी दशाओं का सूचकांक माना जाता है। जैसे कि पूरे विश्व में अगर हम देखें तो जो जनसंख्या है उसी जनसंख्या के आधार पर ही स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके कार्य करने की कार्य शक्ति, उनके सामाजिक आर्थिक राजनीति, जो भी उनके अंतर्गत सांस्कृतिक उनके कार्यक्रम है और स्त्री पुरुष के कार्य करने की कार्यशील जो जनसंख्या है, उस कार्यशील जनसंख्या के आधार पर ही किसी भी देश का आर्थिक विकास होता है। तो वही है कि देखा जाए तो अगर सूचकांक होता है जिसमें प्रादेशिक विश्लेषण के लिए उपयोगी साधन होता है, लिंगानुपात का जो प्रभाव होता है बड़े पैमाने पर जनसंख्या वृद्धि, विवाह दर और व्यावसायिक संरचना इत्यादि पर इसका प्रभाव पड़ता है। और लिंगानुपात की जानकारी के लिए देखें तो रोजगार और उपयोग की जो दशाएं हैं जिसमें सामाजिक आवश्यकताओं के साथ साथ मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को समझने में भी सहायता मिलती है। इसके साथ साथ देखें तो अनेक प्रकार की जो जनसंख्या है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक सभी दशाओं की जो पृष्ठभूमि है उसमें प्राकृतिक जो लिंग है इनके हम पार कार्य करते हैं और एक प्राकृतिक लिंगों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये लिंगानुपात रहा, जिसमें लिंगानुपात में एक महत्वपूर्ण चीज आती है, मैं आपको बता दूं कि जैविक दृष्टिकोण से, जैविक का तात्पर्य जीवधारी, जैविक मतलब जीवधारी, अब जैविक जीवधारियों में ये माना जाता है साइंटिफिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि बड़े पैमाने पर स्त्री और पुरुष जो लिंग है इन दोनों स्त्री और पुरुषों में देखा जाए तो दोनों लिंगों को रोगों की सहन शक्ति, कहने का तात्पर्य कि जो रोग होते हैं, मानो अनेक प्रकार के रोग होते हैं, इन रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, या कहें कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वह भिन्न भिन्न होती है। कहने का तात्पर्य कि स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन स्त्री या पुरुष दोनों के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर जो आंतरिक क्षमता है वह भिन्न भिन्न होती है, जो कि माना जाता है, इसमें यह माना जाता है कि स्त्री या पुरुष में जिनका शरीर कोमल होता है, कोमल का तात्पर्य अगर आप मानेंगे तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का जो शरीर होता है वह कोमल होता है और वह इतना ही अधिक शक्तिशाली लिंग वाला होता है। कहने का तात्पर्य कि जिस भी मानव का, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, जिसका शरीर जितना अधिक कोमल होगा वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। त्याग लिंग के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दो की बात आती है, तो दोनों में अधिक से अधिक कोमल स्त्रियों का शरीर होता है, पुरुषों का कठोर होता है, स्त्रियों का कोमल होता है। तो यहाँ की बातें आती है साइंटिफिक तौर से, और एक आंकड़ा आप ये भी देख सकते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरों में भी, कि बड़े पैमाने पर पुरुषों की मृत्यु जल्दी होती है और स्त्रियों की मृत्यु देर से होती है। इसका कारण यह है कि स्त्रियों का जो शरीर है वह कोमल होता है और उनमें रोग प्रतिरोग की जो सहन शक्ति है वह अधिक होता है, जिसके कारण पुरुषों की मृत्यु जल्दी हो जाती है
और स्त्रियां अधिक और लंबे समय तक जीवित रहती है। इसको एक आंकड़े के तौर पर आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी देख सकते हैं। यह एक आंकड़ा माना जाता है कि जो भी लिंगों में जो भी कोमल शरीरधारी होता है वह लंबे समय तक जीवित रहता है। तो लिंगा अनुपात में आपने देखा कि स्त्री और पुरुष दो का ही संख्या में लिंगानुपात निकाला जाता है, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष दोनों का लिंगानुपात होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो लिंग सबसे कोमल होता है वो अधिक लंबे समय तक जीवित रहता है। तो इसमें यही है। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ये जो प्रवासियों में लिंग अनुपात लिंगानुपात हो गया प्रवासियों की
प्रेरक है इत्यादि पर निर्भर करता है और प्रवास के लिए जो लिंग संरचना है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है और साथ ही दूसरे क्षेत्रों में भी वही प्रक्रिया लागू होती है। तीन प्रवासियों में लिंग अनुपात के अंतर्गत रहा। अब हम इसी में देखेंगे लिंग अनुपात और युद्ध। लिंग अनुपात और तो अब यहाँ लिंग अनुपात और युद्ध इसमें तीन चीजें, एक और लिंग है, फिर अनुपात है और फिर युद्ध है, तीन चीजें हैं मेरे प्रिय छात्रों। तो इसलिए हम देखेंगे लिंग का आप समझ रहे हैं स्त्री और पुरुष, अनुपात स्त्री और पुरुष का होगा और युद्ध, तीन चीजें यहाँ समझना है। तो लिंग अनुपात और युद्ध में ये तीनों चीजें काफी प्रासंगिक हैं, तीनों अपने आप में काफी कुछ देखें कि तीनों ही जो आधारभूत कारणों में देखा जाए जैसे जन्म मृत्यु और प्रवास, इन सब पर विभिन्न लिंगी होना और जनसंख्या की जो संरचना है उस जनसंख्या की संरचना में युद्ध अगर होता है उससे पूरी की पूरी जो जनसंख्या है वह काफी कुछ प्रभावित होती है। और कैसे प्रभावित होगी, जैसे यहाँ पर हम उदाहरण में अगर कोई देश किसी भी देश में मान लो भारत पाकिस्तान को ले लें या इजराइल और मिस्र को ले लें या संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान और अमेरिका के बीच के युद्ध को ले लें, तो अगर कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध के अंतर्गत पुरुष ही युद्ध में मारे जाते हैं और स्त्रियां सुरक्षित बचती हैं। तो अगर युद्ध होता है किसी देश में या दो देशों के बीच होता है तो उसमें युद्ध में बड़े पैमाने पर पुरुष मारे जाते हैं और स्त्रियों की जो संख्या है वह बढ़ जाती है। तो अगर स्त्रियों की संख्या बढ़ गई तो पुरुष युद्ध में मारे गए और स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ लिंग अनुपात क्या है, प्रभावित होगा, स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाएगी और पुरुषों की संख्या कम हो रही है, स्त्री बढ़ रही है और अनुपात जो प्रभावित होगा। और इसके साथ साथ जन्म दर भी प्रभावित होगा, भले का चाहकर भी पुरुष कम है तो संतानें भी कम उत्पन्न होंगी। तो इसमें दो चीजें आती हैं कि लिंग अनुपात, जैसे युद्ध युद्ध हुआ दो देशों के बीच या दो राज्यों के बीच आपस में, जैसे प्राचीन काल में अगर आप इतिहास पढ़े हो तो प्राचीन काल में जो एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो युद्ध होता था तो उस युद्ध में बड़े पैमाने पर पुरुष ही मारे जाते थे, क्योंकि युद्ध में लड़ने का कार्य पुरुषों का ही होता है। तो अगर युद्ध होता था युद्ध में पुरुष मारे जाते थे तो जो लिंग अनुपात है लिंग प्रभावित होता था, स्त्रियों की संख्या अधिक होती थी पुरुषों की संख्या कम, जिससे लिंग अनुपात प्रभावित हुआ और अनुपात में जन्म दर भी प्रभावित हो जाता है, मतलब संतानें कम होती है क्योंकि पुरुष की संख्या कम हो गई है तो बच्चे भी कम जन्म लेते हैं। यही चीजें हैं इसमें कि लिंग अनुपात और युद्ध ये तीन चीजें इसमें समाहित हैं। थोड़ा यहाँ उदाहरण कुछ और दिया है, फिर आप पता है कि अगर हम देखें तो यदि कोई राष्ट्र युद्ध में सीधे संलग्न है या सम्मिलित है तो वहां पर कई वर्षों तक अगर युद्ध चलता है तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि युद्ध में अधिक संख्या में पुरुष मारे जाते हैं। और दोनों विश्व युद्धों में जो दो विश्व युद्ध हुए खासतौर से 1914 से 1918 तक का और 1939 से लेकर के 1945 तक का,
जो दो विश्व युद्ध हुए, इन दो विश्व युद्धों में यूरोप में बड़े पैमाने पर सैनिक मारे गए, तो यूरोप की जो जनसंख्या थी वहां बड़े पैमाने पर लिंग अनुपात प्रभावित हुआ और स्त्रियों की संख्या अधिक हो गई, पुरुषों की कम, और उसके साथ साथ यूरोप में जनदल भी प्रभावित हुआ। यहाँ किताबों में कुछ और भी है दिया है कि युद्ध के अंतर्गत देखें तो दोनों विश्व युद्धों में जो यूरोप महाद्वीप था, यूरोप महाद्वीप बड़े पैमाने पर दोनों विश्व युद्धों में सम्मिलित रहा, उसमें कई ऐसे देश रहे जो एक देश दूसरे देशों के साथ युद्ध करते रहे, और सैनिकों की अधिक संख्या में मारे जाने से स्त्रियों की जो संख्या थी वह अधिक हो गई, और वियतनाम में तो कई वर्षों तक कड़ा युद्ध चलता रहा और जिसमें सैनिक हताहत हुए और स्त्रियों की संख्या बढ़ गई। ऐसा उदाहरण 1991 ईस्वी में मिलता है कि ईरान, इराक और अमेरिका के बीच जो युद्ध कई ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध हुआ उसमें कई लाख सैनिक मारे गए और स्त्रियों की संख्या इराक में और अमेरिका में बढ़ गई, जिसके साथ साथ युद्ध का दीर्घकालिक होना पुरुषों की मृत्यु दर पर ही प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि वहां के जनदल को भी काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। तो लिंग अनुपात और युद्ध इसी में है। अकाल अगले पॉइंट में आता है, अकाल महामारियां, अकाल महामारियां अकाल है, महामारियां हैं, महामारियां और लिंग अनुपात। तो अकाल महामारियां और लिंग अनुपात, तो अकाल महामारियां लिंग अनुपात में आप देखेंगे कि किस प्रकार से कभी कभी बड़े पैमाने पर अकाल और महामारी में जैसे प्लेग है, सूखा है और हैजा, मलेरिया, ये सब महामारियां और लिंग अनुपात इसके अंतर्गत आप देखते हैं कभी कभी किसी भी देश में अकाल पड़ जाता है, अकाल का कारण होता है सूखा, ड्राट जिसको कहते हैं, तो अकाल मतलब वर्षा का न होना, पूरी पृथ्वी सूखे से प्रभावित हो जाती है, महामारियां में आता है, प्लेग है, हैजा है, मलेरिया है, और वर्तमान समय में आप देख रहे हो COVID-19 चल रहा है, इसकी भी एक बड़ी महामारी में सम्मिलित है। और लिंग अनुपात, तो अकाल के समय महामारियां और लिंग अनुपात जब अकाल पड़ता है तो अकाल के समय भी बड़े पैमाने पर खासतौर से जनसंख्या प्रभावित होती है, क्योंकि अकाल पड़ा, सूखा पड़ा तो अन्न की फसलों का उत्पादन नहीं होता, तो बहुत से व्यक्ति जो अन्न न मिलने के कारण उनकी मृत्यु होती है, कभी कभी जल न मिलना, अन्न न मिलना, वो अकाल में आ जाएगा। महामारियों में आप देखते हैं प्लेग है, हैजा है और मलेरिया है, और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं COVID-19 जो चल रहा है, ये कोरोना वायरस, इसके साथ भी पूरे विश्व में महामारियां फैल रही है, इससे क्या दस व्यक्ति मारे गए, खासतौर से अमेरिका में करीब 2 लाख, फ्रांस में 1 लाख के ऊपर, इटली में 3 के आसपास, और आपके देश में भी करीब 40-45 हजार के आसपास वर्तमान समय में लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये जो महामारियां होती हैं, इनकी मृत्यु चाहे पुरुष की मृत्यु हो या स्त्री की मृत्यु हो, इससे बड़े पैमाने पर जो हमारा लिंग अनुपात है, स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वह बड़े पैमाने पर
प्रभावित होता है। स्त्रियों की भी संख्या कम हो सकती है, पुरुषों की भी संख्या कम हो सकती है, लेकिन ये जो महामारी है खासतौर से COVID-19 जो कोरोना वायरस, उसमें आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं और छोटे बच्चे इस COVID-19 के अंतर्गत बड़े पैमाने पर इस महामारी के शिकार हुए हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि मलेरिया के कारण भी हमारे देश में भी और विदेशों में भी प्रतिवर्ष करीब करीब एक आंकड़ा है कि करीब 10 लाख के आसपास व्यक्ति मलेरिया के कारण मारे जाते हैं। तो ये जो महामारियां हैं इसके कारण भी हमारे यहाँ जो लिंग अनुपात है वो बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। कहा जाता है कि इस प्रकार की जो महामारी है इससे बड़े पैमाने पर प्लेग है, हैजा है और मलेरिया है, COVID-19 जो कोरोना वायरस है, इन सब के कारण बड़े पैमाने पर जो लिंग अनुपात है वह प्रभावित होता है। जब भी किसी देश में किसी भी प्रकार की बीमारियों का जब प्रकोप होता है तो उससे वहाँ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मृत्यु अधिक होती है, क्योंकि स्त्रियों के बारे में जैसा माना जाता है कि उपेक्षा होने के कारण स्त्रियों की उपेक्षा हर एक समाजों में होता चला आया है। कोई आज ये नई बात नहीं, प्राचीन काल से ही देखें तो स्त्रियों को उतना दबा नहीं हो पाता। जैसे कोई भी परिवार हो, छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार हो, जिनको दो चार पुत्रियां हैं, उसमें दो एक पुत्र हैं, तो उसमें पुत्रों को आप देखेंगे ज्यादा स्नेह मिलता है, जबकि पुत्रियों को स्नेह कम मिलता है। तो ये है कि अगर कोई बीमारी होती है तो स्त्रियों के पति या छोटी बच्चियां हैं या छात्राएं हैं तो उनको बीमारियों को उतना रोकना या उनका इलाज उतना नहीं कराया जाता जितना कि छोटे बच्चे लड़के का इलाज युवा दंपति कराते हैं। यही है कि महामारियों में देखें तो बड़े पैमाने पर स्त्रियों की मृत्यु होती है, क्योंकि इनकी उपेक्षा प्राचीन काल से ही हमारा समाज करता चलाया है और आज भी हमारे भारतीय समाज में स्त्रियों की उपेक्षा की जा रही है। तो इसके कारण स्त्रियों की मृत्यु अधिक होती है, जिससे जो लिंग अनुपात है वह बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। और देखा जाए तो कभी कभी माना जाता है कि अकाल पड़ने से पुरुषों की संख्या अधिक प्रसारित हो जाती है। जैसे किसी प्रांत में या किसी राज्य में कभी कभी अकाल पड़ा तो अकाल पड़ने से वहां के जो लोग हैं उस एक प्रांत को छोड़कर अन्यत्र किसी दूसरे प्रांत में चले जाते हैं, जिससे वहां की जो जनसंख्या है वहां पुरुषों का अनुपात कम हो जाता है और जिस प्रांत में जाकर के पुरुष बसते हैं वहां की जो जनसंख्या है वहां का जो अनुपात है वह बढ़ जाता है। तो यही है कि अनुपात पुरुषों के अंतर्गत हो जाता है। और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में देखें तो ये जनसंख्या की जो संरचना है यह बड़े पैमाने पर भिन्न भिन्न विश्लेषकों के द्वारा प्रतीकात्मक इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिसमें दिया है कि लिंग अनुपात किसी भी देश में जो है स्त्रियों की स्थिति के विषय में विशेष सूचनाएं देता है, जिनमें निम्नलिखित होता है। पहला पॉइंट है यहाँ कि लिंग भेदभाव और अनियंत्रित होने की स्थिति में लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। कहने का तात्पर्य कि लिंग भेदभाव अनियंत्रित होने की दशा में जो है लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। या एक चीज समझ लें, प्रतिकूल का तात्पर्य जो प्रतिकूल है प्रतिकूल, और एक शब्द आता है अनुकूल, ये दो चीजें हैं। प्रतिकूल का तात्पर्य कि इनकी जनसंख्या कम होगी उनका होगा, अनुकूल का तात्पर्य कि स्त्रियों के अगर अनुकूल जनसंख्या है तो स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है, कम नहीं होगी। लेकिन प्रतिकूल है तो प्रतिकूल का तात्पर्य ये होगा स्त्रियों की जो संख्या उसमें कमी आएगी। यही कह रहा है कि लिंग भेदभाव और अनियंत्रण की दशा में देखा जाए
तो स्त्रियों की जो संख्या है वह प्रतिकूल होता है। दूसरा है इन क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या का तात्पर्य समझते हैं कि बड़े पैमाने पर कुछ युवा दंपति जो है घर में ही बच्चे का लिंग जानना चाहते हैं, और अगर बच्चे का वो लिंग जान जाते हैं तो घर में ही बच्चे को मार दिया जाता है। अगर पुत्री है उसको घर में ही मारने का प्रयास करते हैं, पुत्र है तो नहीं मारते हैं। ये गर्भ भ्रूण हत्या के अंतर्गत आता है, जिसमें करीब करीब देखें तो 100% जो आंकड़ा है वह स्त्रियों के विरोध में ही जाता है। कहने का तात्पर्य कि बच्चियों की भ्रूण हत्या होती है, बच्चों की नहीं, बच्चियों की ज्यादा में स्त्रियों की ही छोटे बच्चों में जो बालिकाएं हैं उन्हीं की हत्या की जाती है। तो कन्या भ्रूण हत्या, स्त्री बाल हत्या और स्त्रियों में स्त्रियों के प्रति जो घरेलू हिंसा है, ये सब प्रतिकारक है जिसके कारण देखा जाए तो लिंग अनुपात जो है बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। आखिरी पॉइंट है तीसरा, कि ऐसे क्षेत्रों में जो स्त्रियां हैं वे सामाजिक और आर्थिक जो का स्तर है वह नीचा होता है। कहने का तात्पर्य कि वो समाज में पुरुषों के नीचे उनका स्थान होता है, पुरुषों से वो हमेशा समाज में दबी रहती है, उनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक जो भी विकास है वो पुरुषों की अपेक्षा दबा ही रहता है। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में यही पर हम समाप्त करते हैं, पर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे का जो क्लास है चलेगा।